न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन की सूचना पूरी तरह है अफवाह, सिर्फ शनिवार और रविवार को रहेगा साप्ताहिक बंदी। फर्टिलाइजर फैक्ट्री शुरू होने के पहले ही हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HRUL ने मुंबई स्थित RCF के साथ करार कर शुरू की अपने खाद की बिक्री। न कहा स्टेशन पर पहुंची खाद की रैक, विधिवत पूजा अर्चना के बाद डीलरों के पास ट्रकों से भेजा गया खाद। बलदेव प्लाजा में रोस्टर तोड़कर दुकान खोलने की शिकायत पर ग्राहक बनकर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने मोबाइल की दुकान को किया सील, दुकानदारों को दी कड़ी चेतावनी। कोतवाली सर्किल के लॉकडाउन क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर एडीएम सिटी ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों का किया चालान, कहा निरंतर चलता रहेगा अभियान। कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत SSP ने राजघाट थाना क्षेत्र में किया पैदल गश्त, लॉकडाउन की स्थिति का लिया जायजा, कहा घरों में रहें सुरक्षित रहें। कोतवाली सर्किल के तीनों थानों में 18 जुलाई तक हुए लॉकडाउन में डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से हो रही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, सिटी मजिस्ट्रेट ने लोगों से की अपील, घरों से बाहर ना निकले, आवश्यक वस्तुएं पहुंचेंगी आपके घर। जल जमाव की समस्या की शिकायत पर महापौर सीताराम जायसवाल के नेतृत्व में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित संबंधित विभागीय अधिकारियों ने मौके का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश, कहा लापरवाह कर्मचारियों पर की जाएंगी विभागीय कार्रवाई। महानगर में बिना मास्क के घूम रहे लोगों से सिटी मजिस्ट्रेट ने 25,000 का वसूला जुर्माना, कहा करे लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं तो होगी कार्रवाई। गोरखपुर में बुधवार को कोरोना के 48 नए मिले मरीज, 2 और कोरोना संक्रमितों की हुई मौत, जिले में मरीजों की संख्या हुई 838, 446 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर जा चुके हैं अपने घर, वहीं 373 मरीजों का अभी चल रहा इलाज, कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 19, CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। SSP कार्यालय में 2 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर जिलाधिकारी परिसर 48 घंटों के लिए किया गया सील, एडीएम सिटी ने कहा 48 घंटों में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का होगा कार्य, जिससे दूर हो सके संक्रमण। महिवा मंडी में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई मंडी अड़ाकियों की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और भारी वर्षा के कारण नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह है मुस्तैद, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार खरीदी गई 8 नई नावें, प्रभावित सभी तहसील क्षेत्रों को की गई सुपुर्द।